Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number first, revision. हम ये revision इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हम first class में पढ़ चुके हैं. हमने first class में सीखी थी, सबसे पहले हम जो करने जा रहे हैं वो है हमारे number name. नंबर नेम में मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था कि अगर हमें सिंपल सिंपल भी लर्न हो जाते हैं उसके बाद बीच वाले अपने आप समझ में आ जाते हैं, जैसे 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. अब मान लो इनमें से जो भी आपको वर्ड है किसी ने हमें दे दिया, ये वर्ड ये कितना है 56. अब आप मुझे ये बताओ 50 की स्पेलिंग क्या होती है, ये रही 50. अब इसके आगे कितना है 6, 56. अगर आपको 50 की स्पेलिंग लर्न है और 1 to 10 लर्न है तो 100 तक आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं. 100 के बाद जैसे 1, 10s और 100, सबसे पहले तो हम डिजिट पहचानना सीखेंगे कि ये हमारी 1s है, ये 10s है और ये 100 है. तो ये कितना है 100 के आगे ये कितना है 1, 101. अब यहाँ पे हमें दे रखा 110, 1s, 10s और 100, 1 और ये कितना है 10, 110, 120. इस तरीके से हम लिखते जाएंगे. इसके बाद अगर 100 में हमें कोई भी डिजिट दे दी जाती है, जैसे मुझे यहाँ पे ये दे रखा है 1, 10s और 100, तो मैं कितना लिखूंगी पहले 100. इसके बाद मुझे कितना दे रखा है 38. अगर यह मुझे दे रखा हो ये कितना है 1, 10s, 100, 190. तो इस तरीके से अगर हमें 101 से लेके 200 तक की स्पेलिंग लर्न है तो दिक्कत नहीं आती. ये 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000. अब हम करने जा रहे हैं सबसे पहले हमारे नंबर्स. ये कितना है 7, ये कितना है 16, 22, ये कितना है 41 है. तो हम सबसे पहले किसकी स्पेलिंग लिखेंगे 41. 56 में 56, 65 में 65, 71 में 71, 76 में 76, 81, 89 है तो 89, 98 है 98, और फिर आ गया 100. हमने यही किया था 100. अब देखो 1, 10, 100, 100 और ये कितना है 19, 119, 121. जैसा हम बोलेंगे वैसी ही हमें स्पेलिंग लिखनी भी है. 121, 150, 180, 200. अगर हमें एक स्पेलिंग लर्न हो जाती है, जैसे ये 200 है, अब यहाँ कितना है 208, 208. यहाँ पे आपको दे रखा है 210, 215, 246, 250, 275, 290, 300, 315, 400, 410, 415, 430, 440, 445, 450, 455, 460, 465. इसी तरीके से आप 500, 600 जो भी आपको डिजिट आती है आप रिटर्न कर सकते हो. फिर आते हैं हमारे राइट द मिसिंग नंबर. यहाँ 26 और 29 दे रखा है, बीच के नंबर क्या आएंगे 27 और 28. 45 के बाद क्या आता है 46, 47 एंड 48.
89 के बाद 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 और 98। इसके बाद आपका आता है, आपको जो साइन लगाने हैं, ये और ये, इन साइन को लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है इनको पहचानना, कि जो इसका खुला मुंह होता है वो किसकी तरफ होता है, जो डिजिट बड़ी होती है। जैसे यहाँ पे हमें 38 और 83 दे रखा है, 38 बड़ा होता है या 83 बड़ा होता है, तो इस तरीके से इसका मुंह इधर की तरफ आएगा कि बड़ी डिजिट को खा जाओ। अगर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 दे रखा हो, तो 1 बड़ा होता है या 0, 1 बड़ा होता है, तो इसका मुंह किधर आ जाएगा, इधर की तरफ। अगर यहाँ में 2 और 2 दे रखा हो, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, सेम है, तो ये किसका साइन आएगा, इक्वल का। तो इस तरीके से इसका जो मुंह होता है, एक ही चीज़ याद रखनी है कि इसका खुला मुंह किधर होगा, जिसकी डिजिट बड़ी होगी। जैसे यहाँ आपको 92 दे रखा है और यहाँ 81 दे दिया, अब ये बताओ 9 बड़ा होता है या 8 बड़ा होता है, 9 बड़ा होता है, तो इसका मुंह किधर चला जाएगा, इधर। इसी तरीके से हमें यहाँ दे रखे हैं, हम इसीलिए इसको रिवीजन बोल रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ चुके हैं, फर्स्ट क्लास में। 76 बड़ा होता है या 70, 76। 55 बड़ा होता है या 52, 55। 53 बड़ा होता है या 41, 53। 35 बड़ा होता है या 25, 35। इसके बाद आपका आता है अरेंज इन ऑर्डर। अब दो तरीके से होते हैं, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हम सीढ़ियों पे ऊपर की तरफ जाते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हम नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ तो हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, मीन्स पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले बड़ा आएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ 75, 63 और 87 दे रखा है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा क्या है, 63, फिर 75 और उससे बड़ा क्या है, 87। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सबसे पहले बड़ी डिजिट 87, उससे छोटी 75 और फिर 63। यहाँ पे सबसे छोटा 23, उससे बड़ा 75, फिर 89 और यहाँ 98। यहाँ ऑपोजिट हो जाएगा, 98, 89, 75 और 23। यहाँ आता है आपका 76, 86, 99, 100 और यहाँ क्या हो जाएगा, 100, 99, 86 एंड 76। इसके बाद आता है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ। इस तरीके से नंबरिंग आती है। यहाँ पे जो बच्चा है ये कौन से नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे, ये कौन से नंबर पे है, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ नंबर पे है और जो लास्ट वाला है ये फिफ्थ नंबर पे है। इसके बाद आता है मैच द लेटर विद फायरमैन। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन खड़ा था, ये है एस। सेकंड नंबर पे कौन खड़ा है, डब्ल्यू। थर्ड नंबर पे कौन है, पी। फोर्थ नंबर पे कौन है, एन। और फिफ्थ नंबर पे कौन है, टी। इस तरीके से हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बताने हैं। इसके बाद आता है टेंस एंड वंस। जब हमारी 10 नंबर एक साथ मिलते हैं तो हम उसको बोलते हैं टेंस। 1 और 2, हमारे पास कितने टेंस हो गए, 2 टेंस। और वंस में कितने हैं, 1 और 2, 2 वंस हो गए। यहाँ टेंस कितना हमारे पास, 1, और यहाँ कितने हैं, 2। यहाँ टेंस कितना है, 1, और यहाँ कितना है, 1। यहाँ टेंस कितना है हमारे पास, टेंस का मतलब ही होता है 10 चीज, जो थिंग्स होती हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको टेंस बोला जाता है। यहाँ कितने टेंस हैं, 1। आप यहाँ काउंट कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 पेंसिल्स हैं। तो 10 मीन्स 1 पेंसिल है और 1, 2, 3, यहाँ पे 3 वंस हैं। 3 वंस का मतलब होता है 1 1 कितनी चीज़ें हैं। अब यह टेंस कितने हैं, 1, और यहाँ पे 1 1 में कितनी चीज़ें हैं, 1 और 1, 2, यहाँ पे 2 है। टेंस कितने हैं, 1, 2, या मैंने 2 लिखा।
यहाँ कितने हैं वन टू, यहाँ भी टू लिखा। अब यहाँ पे वंस कितने हैं वन टू थ्री, यहाँ थ्री आ गया, यहाँ आपका वन आ गया। इसी तरीके से आप खुद से करो, ये टेंस कितना हमारे पास वन, ये कितना टेंस है वन, और ये कितना है वन। अगर आपसे वंस पूछा जाए, वंस मीन्स होती है वन वन चीजें, वन वन कितनी है वन और वन टू, वन टू थ्री एंड वन। इसी तरीके से सेम ये है, आपको वंस और टेंस बताने हैं, वन टू, टू टेंस है हमारे पास और वन कितना है वन, टेंस कितना है वन और वन थिंग कितनी है वन, ये टेंस कितना है वन और ये कितनी है वन और वन टू। अब आता है हमारा टेबल को कंप्लीट करना है। अब यहां पे हमें फोर दे रखा है और फाइव, इस फोर को हम कितना मानते हैं फोर्टी, एक्सपेंडेड फोर लिखते हैं ना, कि उसके आगे कितने डिजिट लगाएंगे, जितने मेरे पास वर्ड है, फोर के आगे कितना वर्ड था जीरो, तो यहाँ फोर्टी प्लस फाइव कितना बन गया फोर्टी फाइव। यहाँ कितना है काउंट करो, ये फाइव है, मैंने यहाँ फाइव लिखा, वंस कितने हैं टू, तो फिफ्टी प्लस टू फिफ्टी टू, ये आपका फोर है और ये आपका सिक्स है फोर्टी सिक्स, तो फोर्टी प्लस सिक्स फोर्टी सिक्स। अब आता है एक्सपेंड करना। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है कि जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा मैंने डिब्बे में सारा सामान रख रखा है और सारे घर में फैला दो उसको, उसको बोलते हैं एक्सपेंड करना। जैसे 64 है, 60 प्लस 4, 77 में 70 प्लस 7, 88 में 80 प्लस 8, 30 प्लस 2, 20 प्लस 6, 26, 90 प्लस 7, 97, 30 प्लस 8, 38, 20 प्लस 5, 25, 80 प्लस 9, 89, 10 प्लस 3, 13, 70 प्लस 2, 72, 60 प्लस 7, 67, 40 प्लस 9, 49, 50 प्लस 7, 57, 20 प्लस 3, 23, 30 प्लस 7, 37, 20 प्लस 9, 29, 70 प्लus 5, 75। अब हमने काउंटिंग की हुई है तो हमें ये पता होना चाहिए कि आफ्टर, बिफोर और बिटवीन क्या होता है। आफ्टर मैंने होता है बाद में, बिफोर मैंने पहले, और बिटवीन मैंने क्या होता है बीच में। आफ्टर मीन्स बाद में, कि 15 के बाद 16, 20 के बाद 21, 67, 68, 72, 73, 85, 86, 100, 101, 127, 128, 200, 201, 345, 346, 469, 470, 499, 500। इसी तरीके से पहले क्या आता है, 18 से पहले 17, 23 से 22, 68, 70, 88, 130, 188, 294, 299, 389, 452। फिर आपका आता है बिटवीन, इनके बीच में क्या आएगा, 10 के बाद 11 आता है, 12 से पहले 11 आता है, 27, 28, 62, 76, 84, 106, 191, 301, 332, 420 और लास्ट है आपका 491। ये मैंने अभी आपको समझाए थे जी, जो डिजिट बड़ी होती है उसकी तरफ आपको खुला मुँह करना है। यहाँ 16 बड़ा है, यहाँ 14 बड़ा है, तो इसका मुँह इधर की तरफ आएगा। 41 बड़ा है, यहाँ 31 बड़ा है, 101, 122, 141, जो डिजिट बड़ी होती है उसी की तरफ इसका खुला मुँह आएगा कि बड़ी चीज़ को खा जाओ। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि इसको खा जाओ, 161। यहाँ 309 और 309 इक्वल है तो मैंने इक्वल का निशान लगाया, 312 और 310 में 312 बड़ा है तो इधर की तरफ इसका साइन आया, इसमें इक्वल आया, और ये 360 बड़ा है तो इधर की तरफ इसका मुंह आया। अब यहाँ पे 48 बड़ा है, ये इक्वल है, 78 बड़ा है, 38 बड़ा है, 98 बड़ा है, 75, 90 और 19 इक्वल होते हैं, 99 बड़ा है, 76, 81, 56। मैं आपको वो बता रही हूँ जो डिजिट बड़ी है, 181 और 181 इक्वल है तो इक्वल का साइन आया, यहाँ पे 370, 195 और 381, 199 बड़ा है, ये इक्वल है तो इक्वल का साइन आ गया, 201 और 200, मतलब 1 एक्स्ट्रा है इसके अंदर तो ये बड़ा है,
421, 240 बड़ा है इसमें 418, 460 421, 470 456, 390 467, 298 480, 300 और 300 इक्वल है, 499, 305 और 497। अब आते हैं हमारे ऐड। अब ऐड हमें आते हैं, एक तो सिंपल ऐड होते हैं और एक होते हैं बिना कैरी वाले। मैं आपको दोनों तरीके के बता रही हूँ। 4 और 9 दे रखा है आपको। आप अपने हैंड को देखो, आपके हैंड में यहाँ पे 1 2 3 तीन तीन साइन दिखाई दे रहे हैं। हमें सबसे पहले कितना देखना है, 4 1 2 3 4। हमारा यहाँ 4 फिनिश हो गया। इसके बाद हमें दे रखा है 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमारा 9 यहाँ आके फिनिश हुआ है, तो यहाँ से हम वापस काउंट करेंगे। हम इधर नहीं जाएंगे, हम इधर आएंगे वापस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारे पास कितना आया, 13। इसी तरीके से अगर हमें 7 4 और 1 9 दे रखा हो, अभी आपने 4 और 9 को काउंट किया, कितना आया हमारे पास, 13। अब हमारे पास 13 दो डिजिट है, अगर हम दोनों को यहाँ लिख देंगे तो हमारी डिजिट तो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसीलिए जो इधर का वर्ड होता है ना, जो वंस वाला वर्ड होता है वो तो आएगा नीचे, और जो टेंस वाला वर्ड होता है वो ऊपर चला जाएगा कैरी। किस में चला जाएगा, कैरी में। तो अब हम इन तीनों को काउंट करेंगे, 1 और 7 होता है 8, 8 और 1 होता है 9। इस तरीके से हम इनको ऐड करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 479 382। अब 9 और 2 को जब आप काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आपका यहाँ आ गया। इसके बाद है 2 1 2, हमारा 2 यहाँ फिनिश हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का 1 हमने यहाँ लगाया और 1 लगा दिया हमने कैरी। 7 और 1 कितना होता है, 8, 8 और 8 कितना होता है, 16, 16 का 1 लगाया, ऊपर लगाया 1 कैरी। 4 और 1 5 5 और 3 8। इस तरीके से आप जो अपनी फिंगर्स हैं इनके ऊपर काउंट करके देखना, अगर एक हाथ पे नहीं आते तो आप दूसरे हाथ पे काउंट करके देखना। तो इसी तरीके से हमारे जो सवाल दे रखे हैं, 8 और 1 9 और 4, 8 और 3 11 होता है, 11 का 1 हमने यहाँ लगाया, 1 कैरी चला गया हमारा ऊपर। अब दोनों कैरी को जोड़ो, 1 और 1 2, यह हमारा 9 1 और 2, 4 5 9 और 3, 8 और 3 11, 11 का 1 आया, 1 कैरी गया, 2 और 1 3, 7 में और 5 12, 12 का 2 आया, 1 कैरी गया, 1 और 1 2, फिर 2, 7 और 3 10 होता है, 10 की 0, 1 कैरी गया ऊपर, 2 और 1 3, 4 और 7 11 का 1 1 ऊपर गया, 2 और 1 3। इसी तरीके से हमने सारे सवाल कर रखे हैं। आप अपने आप से इनको ऐड करना, क्योंकि अगर हम इस तरीके से ऐड करेंगे तो हमारी वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ मैंने आपको सारे सवाल करके दे रखे हैं। ये तो हमारे एडिशन है, इसके बाद आता है हमारा सब्ट्रैक्शन। अब हमारे सब्ट्रैक्शन कैसे निकालते हैं, देखो, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को घटाना। ये कितना है, 3, 1 2 3, इसमें से 2 को कट कर दो, 1 गया 2 गया, हमारे पास कितना बचा, 1। ये कितना है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 आया हमारा। घटाना कितना है हमें, 1, हमने 1 घटा दिया, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास कितना बच गया, 6। ये तो है आपका सिंपल। इसके बाद आता है एक बोरो लेके करने वाला। बोरो मीन्स होता है उधार लेना। भाई जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती तो हम क्या करते हैं, अपने पड़ोसियों के घर से मांग के लाते हैं। तो हमारे पास 3 है और हमें देना है 4, तो हम नहीं दे सकते, हम सबसे पहले क्या बनाएंगे,
एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर हम किसको रखेंगे, सबसे पहले थ्री को, और हम मांगने कहाँ गए, इनके घर। भाई सबसे पहले हम अपने से आगे वाले घर में गए, या हमने इनसे मांगा, हमने इनसे को कहा भाई हमें कुछ उधार दे दो, इन्होंने हमें अपने आप में से निकाल के वन दे दिया। अब इन्होंने जब अपना वन निकाला तो सबसे पहले यहाँ बॉक्स बना के लिखो यहाँ कितना बचा, सिक्स। बोरो भी हमें तभी लेना है जब हमें नीड हो, जब अगर हमें ज़रूरत नहीं हो तो बिना ज़रूरत के हम बोरो नहीं लेंगे। अब हमारे पास कितना आ गया, थर्टीन। थर्टीन में से फोर गया कितना होता है, आप काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 था और काटना कितना है हमें, 4। 1 2 3 4, हमारे 4 घट गए। अब हमारे पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बचा हमारे पास, 9। यहाँ कितना है, 6। 6 में से 1 गया 5। इसी तरीके से हमने यहाँ पे कर रखा है, ये हमारे सब्ट्रैक्शन क्या है, देखो 7 में से 4 जा सकता है ना, तो हमने बोरो नहीं लिया। 4 में से 4 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 3 गया 3। हमारे पास 7 चॉकलेट थी और हमने 5 चॉकलेट खा ली, तो हमारे पास कितनी बची, 2। 4 में से 3 चॉकलेट हम खा गए तो हमारे कितने पास बची, 1। 5 में से 3 चॉकलेट खाई तो हमने कितना बचा, 2। और 9 में से 5 गया तो 4, 8 में से 6 गया तो 2, और 8 में से 3 खा गई तो हम 5। 9 में से 5 गया 4 और 5 में से 3 गया 2। अब इसमें आते हैं आपके बोरो, 63 में से 31 गया, 32 बचा, यहाँ 60 बचा, 54, 16। अब देखो ये आया हमारा बोरो का। अब यहाँ हमारे पास चॉकलेट है 7 और हमें देनी है 9, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ बॉक्स बनाएंगे, यहाँ हम 7 लिखेंगे। लिख लिया, हम अपने पड़ोसी के घर मांगने गए भाई हमें कुछ दे दो, तो इन्होंने जब हमें 1 दिया तो इनके पास तो बच गया 3 और हमारे पास आ गया 17। तो 17 में से 8 गया हमारे, 9 गया तो हमारे पास बचा 8 और 3 का 3। इस तरीके से यहाँ पे 17 है और यहाँ कितना बचेगा, 4। 17 में से 8 गया 9 और 4 का 4 आ गया हमारे पास। यहाँ 2 है, 2 से नहीं जा सकता, हम 2 को ऊपर लिखेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 12 और यहाँ बच जाएगा 5। 12 में से 5 गया तो 7 और 5 का 5 आ गया। इस तरीके से ये हमारे बोरो वाले सवाल हैं। इसके बाद आती है हमारी वर्ड प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें दे रखा है संजय है 7 रुपीज, संजय के पास 7 रुपए हैं, ही स्पेंट 4 रुपीज, उसने 4 रुपए खर्च कर दिए। भाई आपके पास काउंट करके देखो, आपके पास 7 रुपए थे जिसमें से 4 की आप चीज़ खा गए तो कितने बचे, 3। इसके बाद आते हैं कि 5 बोट थी बंधी हुई जिनमें से 4 बोट बह गई तो कितनी बची, 5 बोट थी, 4 बह गई तो कितनी बची, 1। अब यहाँ पे है हेमा को उसकी मम्मी ने, हेमा के पास 5 स्टैम्प थे, उसकी माँ ने उसे 4 और दे दिए तो 5 में 4 ऐड करा, भाई उसके पास पहले से 5 ये थी स्टैम्प, उसकी माँ ने 4 और दे दी तो कितनी हो गई, 9। सोनिया के पास 6 स्टैम्प थी, 2 उसके फादर ने दे दी तो कितनी हो गई, 8। अब इसके पास है प्रेम स्पेंट 5 रुपीज़ फॉर आ पेन, उसने 5 रुपए का तो पेन खरीदा, 3 रुपए का उसने कलर बॉक्स खरीदा और 2 रुपए का उसने पेंसिल बॉक्स खरीदा, तो अब आप ये बताओ कि इसके पास कितने रुपए थे, कितने रुपए उसने खर्च कर दिए, 5, 3 और 2, 5 और 3 8, 8 और 2 10। इसके बाद आता है मल्टीप्लाई, क्योंकि हम मल्टीप्लाई भी कर चुके हैं पहले, 2 1 जा 2। इसके लिए हमें टेबल आना बहुत ज़रूरी है और 10 तक तो टेबल हर बच्चे को आनी चाहिए। 2 1 जा 2, 5 3 जा 15, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 5 7 जा 35, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5 9 जा 45, 2 10 जा 20, 5 8 जा 40, 4 3 जा 12, 7 7 जा 49, 7 0 0, 2 1 जा 2, 10 1 जा 10। इसके बाद ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम है कि एक पेन की कीमत 4 रुपए है, हाउ मच विल 5 पेन कॉस्ट, तो 5 पेनों की कितनी होगी, 4 5 जा 20। यहाँ पे आपको दे रखा है 1 बैलून की कॉस्ट है 5 रुपए, 7 की कितनी होगी, 35। यहाँ पे
दो घोंसले हैं, दो घोंसलों में 5 अंडे हैं, ठीक है। अगर इनमें से 4 एग चले जाते हैं तो कितने बचेंगे? 1। यहाँ पे है 2 नेस्ट है आपके और 5 एग है, तो मतलब 5 2 जा 10 हो गए आपके। अगर इनमें से 4 अंडे निकाल लिए जाते तो कितने बच जाएंगे हमारे पास? 6। इसके बाद है, एक बैग में 6 किलो शुगर है, तो 2 बैग में अगर 4 4 किलो होगी, अगर एक में 4 केजी है तो 2 में कितनी हो जाएगी? 8। और टोटल कितनी हो जाएगी हमारे पास? 14 केजी। इसी तरीके से है, 4 बर्ड ऑन ईच, एक शाखा के ऊपर 4 बर्ड है, 4 5 जा 20, और जिसमें से 7 उड़ गए तो कितने बच गए? 13। 9 पेन है, 9 पेन की कीमत, अगर एक पेन की कीमत 9 रुपीज है तो 8 पेन की कीमत कितनी होगी? 72। इसके बाद हमने शेप्स की हुई है। शेप्स, ये स्क्वायर है जो चारों तरफ से इक्वल होती है। रेक्टेंगल दो तरफ से इक्वल होगी, ये आमने सामने इक्वल है और इधर से ये इक्वल है। ट्रायंगल जिसके 3 एंगल होते हैं, और सर्कल जो गोल होती है। अब यहाँ पे आपको लिखना है कि ये स्क्वायर है, एस से स्क्वायर, आर से रेक्टेंगल, टी से ट्रायंगल और सी से सर्कल। अब ये क्या है आपकी? ट्रायंगल। ये क्या है? सर्कल, रेक्टेंगल, और ये क्या है आपकी? स्क्वायर। ये आपका रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल है क्योंकि ये क्या है? आमने सामने से इक्वल है। ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है, इसके 3 एंगल, ये ट्रायंगल, ये सर्कल, ये रेक्टेंगल। ये आपका सर्कल, ये ट्रायंगल, ये स्क्वायर है क्योंकि ये चारों तरफ से इक्वल है, और ये रेक्टेंगल है क्योंकि ये आमने सामने से इक्वल है। अब आते हैं जंप करना। 4 और 3 7 होते हैं, यहाँ पे कितना है? 2। सबसे पहले हमें 2 से स्टार्ट करना है, और कितने पे जाना है? इससे 3 स्टेप आगे। 2 में 3 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पे हमें दे रखा है 5, और आना है हमें 8 तक, तो हम कितने स्टेप आगे चले थे? 3 स्टेप, 5 से 8 तक। यहाँ आपका है 1 1 से हम चले और हमारा आंसर आना चाहिए 6, तो हमने कितने स्टेप आगे लिए थे? 5। यहाँ है 2 से 7, 2 और 7 कितना होता है? 9। यहाँ पे 0 से लेके 6 तक जाएंगे तो हमारे पास कितना होगा? 6। यहाँ आपका है 6 और 4, 6 से 4 कदम आगे चले तो हमारे पास कितना आया? 10। इसके बाद है 1 से ग्रेटर, ग्रेटर मीन्स होता है बड़ा, 1 से ग्रेटर कितना होता है? 2 और 4 से 6। यहाँ पे इसलिए दे रखा है कि आपको इधर की जो लाइन है इसमें तो एक बड़ा बताना है और इससे 2 कदम आगे बताना है, यहाँ 1 कदम पीछे बताना है और इसमें 2 कदम पीछे बताना है। मतलब 25 से अगर एक ही बड़ा पूछा जाए तो 26 होता है, 98 से 2 बड़े पूछे जाएंगे तो 100 हो जाएगा क्योंकि 99 और फिर 100। लेस देन में 20 से 21 या 39 से 37, ये आपको 1 लेस कर बताना था, और यहाँ पे आपको 2 लेस बताने हैं। 67 1 लेस बताना है तो 66, और 99 से 2 लेस बताने तो 97। अब आते हैं आपके राइट मिसिंग नंबर। अब यहाँ पे आपका कितना दे रखा है? 3। आप सबसे पहले कितने पे आओगे? 3 पे। 3 के बाद कितने कदम चलना है? 1, तो कितना हो गया आपका? 4, तो हमारा आंसर कितना आया? 4। अब यहाँ पे कितना है? 3। हम 0 से लेके और 3 तक गए, आगे कितना चलना है? 6। 1 2 3 4 5 6, तो हमारा कितने पे आएगा? 9 पे। एक तरीका तो ये है, दूसरा ये है 5 और 5 कितना होता है? 10। तो पहले हम 0 से 5 पर आएंगे और 5 से 10 पे जाएंगे। 8 में से 8 गया कितना आएगा? 0। 0 से 8 और 0 से 8, इधर और इधर। यहाँ आपको दे रखा है 7। सबसे पहले हम कहाँ गए? 7 पे। हम वापस 5 आना है, 5 कदम चलना है, 1 2 3 4 5 आ गए हम वापस। इनके ऐसे एरो लगाना तो हमारे पास कितने बचा? 2।
हम सबसे पहले कितने पे जाएंगे? 9 पे गए। 9 से कितने कदम पीछे आना हमें? 6। ये हमारे 6 कदम पीछे हो गए, तो कितना बचा हमारे पास? 3। 3 आंसर आ रहा है हमारा। इसके बाद है हमारा 8। हम कितने पे जाएंगे सबसे पहले? 8 पे। कितने कदम पीछे आना हमें? 2 आ गए हम, तो कितना बच गया? 6। हम सबसे पहले जाएंगे 10 पे, वापस कितना आना है? 5। 10 में से 5 गया, कितना बचता है? 5। हम सबसे पहले कितने पे जाएंगे? 9 पे, और कितने कदम वापस आना है? 8। हमारे पास कितना बचा? 1। ये है हमारा चैप्टर नंबर 1। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, और बच्चे अपनी बुक को भरें।